हमने सीखा पहला हम राशियों की तुलना अनुपात प्रतिशत आदि के आधार पर करते हैं दूसरा प्रतिशत का उपयोग बट्टा बिक्री कर व ब्याज ज्ञात करने में किया जाता है तीसरा अंकित मूल्य पर दी गई छूट बट्टा कहलाती है चौथा किसी वस्तु को बेचने पर सरकार द्वारा बिक्री कर लिया जाता है विक्रेता द्वारा बिक्री कर को बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है पांचवा ब्याज दो प्रकार के होते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज छठवा पहला जब ब्याज वार्षिक हो तो ए बराबर पी गुणित एक धन बटे सौ पूरे की घात एन दूसरा जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक यानी कि छमाही हो तो कुल राशि ए बराबर पी गुणित एक धन बटे दो सौ पूरे की घात एन यानी ब्याज की दर आधी व समय छह माहियों में गिना जाता है